फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल मींस हाउ टू जर्नलाइज द एंट्रीज। ये देखना है, ये समझते हैं, करेक्ट नाउ। तो व्हेन यू प्रिपेयर जर्नल, करेक्ट, तो इन दैट फॉर्मेट विल बी लाइक दिस। यू ऑल नो अबाउट दिस, बट आई नीड टू मेंशन वंस अगेन। बताओ दिस विल बी हाउ मेनी कॉलम? फाइव कॉलम। हाउ मेनी कॉलम? फाइव कॉलम। ना बैंक अकाउंट इज ऑल्सो एन एसेट। समझो, रियल नहीं समझ पा रहे हो। बैंक अकाउंट इज ऑल्सो एन एसेट बट इट इज नॉट रियल बिकॉज बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो रियल अकाउंट आर दोज एसेट विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट। आप मेरी बात समझे? तो यहां पे बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, करेक्ट ना? बैंक इज ऑल्सो एन एसेट बट ऑल एसेट्स आर नॉट रियल। ऑल एसेट्स आर नॉट रियल मीन्स एनी एसेट विच आर रिलेटेड टू पर्सन आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। यही तो समझा रहा हूं कब से। तो एसेट कैन बी आइदर रियल और पर्सनल। एसेट कैन बी आइदर रियल और पर्सनल। अंडर सुप्रियल? कितना समझाना पड़ रहा है बताओ। हैव एवरीथिंग यू हैव डन बट पता नहीं क्या क्या करे हैं हम वहां पर। समझो मेरी बात को। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? कैन आई कम टू द फॉर्मेट? फॉर्मेट में आ जाओ। चलो फर्स्ट वी राइट डाउन व्हाट डेट, देन वी राइट डाउन पर्टिकुलर्स, देन वी राइट डाउन एलएफ। एलएफ मींस व्हाट? व्हाट इज एलएफ? एलएफ मींस लेजर फोलियो। करेक्ट। देन वी राइट डाउन हियर अमाउंट। एंड वन अमाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेकेंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। डेबिट एंड क्रेडिट वी कैन एड ऑन शॉर्ट फॉर्म डेबिट डी आर एंड सी आर क्रेडिट। करेक्ट अंडरस्टूड। तो व्हाट इज द डेट? इट इज व्हाट? ट्रांजेक्शन डेट। ट्रांजेक्शन डेट एंड दिस डेट शुड बी इन विच ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट यू शुड राइट डाउन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन ऑकर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स व्हाट? एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन ऑकर। एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन ऑकर, करेक्ट अंडरस्टूड। व्हाट इज लेजर फोलियो? लेजर फोलियो मीन्स व्हाट? दिस इज पेज नंबर ऑफ लेजर बुक।
लेजर बुक इन विच ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड. पेज नंबर ऑफ लेजर बुक इन विच ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड. बट राइट नाउ आई कांट एक्सप्लेन यू दिस बिकॉज दिस विल बी एक्सप्लेन व्हेन वी विल डू लेजर. तो दिस रिप्रेजेंट द पेज नंबर ऑफ लेजर इन विच ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड. बट वाई वी राइट लेजर फॉर यू बाद में समझाऊंगा. करेक्ट अंडरस्टूड. देन वन अमाउंट विल बी डेबिटेड अनदर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो चलो एक बार करते हैं दिस वट एवर ट्रांजेक्शन वी हैव डन वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन बिकॉज द डेट इज नॉट गिवन. तो आई एम जस्ट राइटिंग द जर्नल इन द ऑर्डर इन विच आई हैव गिवन. तो आई एम राइटिंग सीरियल ऑर्डर नंबर वन. करेक्ट. तो फर्स्ट इज व्हाट कैश अकाउंट को डेबिट किया एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. मीन्स हाउ टू राइट कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट हाउ मच आई हैव गिवन 1 लाख. 1 लाख. करेक्ट. 1 लाख. समझे. इन दिस वे वी राइट डाउन. मेरी बात समझे. करेक्ट. हैव यू अंडरस्टूड. कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट कैपिटल. नाउ दिस इज द वे ऑफ राइटिंग. मींस वी राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो वन डाउट विल कम विच वॉज डाउट इन माई माइंड वेन आई वॉज इन क्लास 11 12 एंड सीए फाउंडेशन. नोबडी हैज क्लियर दिस डाउट ऑफ माइंड. मेरा ये डाउट कोई भी क्लियर नहीं किया उस समय. करेक्ट. देन आई अंडरस्टैंड इट बाय व्हाट. धीरे धीरे मैं खुद ही समझ गया कि ऐसा होगा. करेक्ट ना. नाउ द डाउट इज व्हाट सर व्हाई वी आर राइटिंग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. वी कैन राइट ऑन कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ऐसे भी लिख सकते हैं. बोलो या सुनो. एंड देन 1 लाख 1 लाख. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मीन्स व्हाई वी आर राइटिंग टू कैपिटल. ये समझ में नहीं आया व्हाई वी आर राइटिंग टू कैपिटल. ये टू कैपिटल क्यों लिखा बोलो. Anyone have answer of this? Why we write down? Have you answer of this? We can write down in this way also. Cash account debit to capital account credit. Cash account debit capital account credit. Bolo yes or no? ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना. Have you understood what I am asking? Ki why we are adding cash account debit to capital? Correct? कैश इज इंक्लूडेड इन कैपिटल. ये क्या है यार, कुछ भी बोल देते हो आप लोग. कैश इज इंक्लूडेड इन कैपिटल. हट, कुछ भी बोल दो. हट, मतलब कुछ भी बोल दो. ठीक है. नो दिस इज नॉट द वे. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी कैन ऑल्सो राइट डाउन इन दिस वे. देर इज नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग इन दिस. बट दिस इज नॉट द प्रैक्टिस. वन प्रैक्टिस हैज बीन गिवन. Means this practice of writing, this is what? Practice. And this is traditional practice. Traditional practice of writing journal entries. Correct? Traditional practice. However, there is no explanation ki why we write down two as a prefix yahan par. There is no explanation. No explanation. No explanation for this. No explanation for this. Correct na? So one practice has been developed. Ek practice aa gaya. Are you able to understand?
someone has said you should write down in this way and we are following that. We are following that. Are you getting what I'm saying? मेरी बात को समझ रहे हो? कि someone has said कि लिखना है ऐसे cash account debit to capital. Now why there is a prefix to that is not explained anyway. It is a practice and we are following that practice. We are following that practice. However, if I say I want to write down in this way, it is nothing wrong when you are writing in this way. Nothing wrong. कोई भी गलत नहीं है. Means we can write down in this way, but in exam we are not supposed to write down in this way. Once you become CA, आप इस तरह से भी लिख सकते हो. Nothing wrong in this, but in exam we need to follow this only. In exam we need to follow this only. Correct? Understood? Cash account debit to capital. Cash account debit means any account which has been credited will have a prefix to. Why we are adding prefix to? No explanation is there. No explanation is there. जो भी कोई आपको explanation दे रहे, वो सब बेवकूफ बनाने वाला explanation है. Correct? Understood? Have you understood? ये capital is given in the form of cash. इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम two लगा देंगे आगे में. आप समझे ना? Two क्यों लगा रहे हो? In लगा दो in capital. Why we are not adding in capital? मेरी बात समझो. In capital लिख दो. Cash is given in capital. Why we are not adding prefix in? Why two? ये मेरी बात को समझो. मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो कि why we are adding two? There is no explanation for this. Correct? बाकी जो आपको बताया गया बेवकूफ बनाने वाली बात है. समझो. No explanation for this. If somebody asks you कि why we are adding a prefix to for a credited account, just say this is the accounting practice we are following. There is no explanation for that कि why we are adding that. Why we are adding that? Correct? Now, when you are adding cash account debit to capital, because we have recorded it, we can easily understand. But can I say, if some other person is observing this cash account debit to capital, so can I say he will not be able to understand ki what is, why cash account is debited, why capital account is credited. Therefore, an explanation is given yahan par. And that explanation is always started with being. Correct? This is also one traditional practice to start explanation with being. Think to be that of being cash, being cash introduced by Ram. Cash introduced by Ram. Correct? So this explanation is known as what? Narration. इसको क्या बोलते हैं? Narration. Narration. What is narration? Narration means what? Narration means what? Explanation. Explanation of transaction. Transactions. Recorded. Explanation of transaction recorded. Understood this point? Explanation of transactions recorded. This point you understood? Correct. Yes, sir. And when we say RAM account debit to cash, this is known as journal entry. Isko bolte hain journal entry. This is known as journal entry. In journal entry, always the amount debited will be equal to amount credited. Amount debited will be equal to amount credited. Amount debited, I have not said account debited, correct na? Amount debited will be always equal to amount credited, correct? This is what? Dual aspect concept. This is due to dual aspect concept. Understood? Amount debited will be always equal to amount credited. Amount credited. This is what dual aspect concept. Have you understood this point? Have you understood? Correct. So this is the way of writing in journal. This process of writing is known as journalizing the entry. Journalizing the entry. I think you have understood. Bolo.
correct. Then we close this and then we write down second. अब second कैसे लिखेंगे check करेंगे. What was the second transaction? What I have given? Second transaction क्या दिया था मैंने आपको? It was what? Rent or building paid in cash. तो कैसे लिखेंगे? Rent account debit. To cash account. I am not given the amount. Let us assume amount is 10,000. Let us assume amount is 10,000. So amount debited will be equal to amount credited. Being rent of building